ऑलमोस्ट भाई, एक और मजेदार चीज हुई है। हेलो हेलो हेलो, ये क्या चल रहा है? तो गाइस मेरा और पीसी का प्लान है, हम सौरभ भाई को डराने वाले। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोग का अंशु बेस्ट व्लॉग्स में। और आज हम लोगों को दो काम है, एक तो हम लोगों का आरटीओ जाना है आरटीओ काम से, और दूसरा सौरभ भाई के बाकी सारे पीसी पार्ट्स आ चुके हैं माइक वाइक, तो हम लोगों को वो लगाने जाना है। तो अभी तो बज रहा है कितना, 12:24 हो रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, पहले खाना खाते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं 1 बजे तक घर से निकलने की, ताकि सौरभ भाई का टाइम से पहुँच के फटाफट वो करते हैं, उसके बाद आरटीओ जाते हैं, और उसके बाद मेरे को आज स्ट्रीम भी करनी है तो वो करते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले खाना खाते नीचे आके। तो चलो मम्मी जी खाना खिला दो। वो बन गया। ओ आज तो मैंने कल ही बोला था मम्मी से, आज मम्मी ने भटकी चुटकानी बनाई है, चावल रोटी, आज आएगा ना मजा भाई। मैंने कल को मम्मी से ऐसे मजाक मजाक बोलिया, आज खाने को मिल रहा है भाई भटकी चुटकानी, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तुम लोग बताना कॉमेंट में अगर तुम लोगों ने कभी खाई है या नहीं खाई है, है ना मम्मी? मेरे को लगता भट हर जगह मिलते हैं ना, पहाड़ी लोग खाना हमारा पहाड़ी का हुआ ना। हाँ पहाड़ी लोग ज्यादा खाते हैं इसको, गरम होती है एकदम। एक ये शिवांगी और मम्मी को जो सुर लग रहा होगा, अभी गाड़ी में कपड़ा मारने लग गए हैं। ये देखो, मैंने बोला 2 मिनट दो, मैं खाना खा के करता हूँ। शिवांगी गीला कपड़ा मारना, सूखा मत मारना, स्क्रैच पड़ जाएंगे सीधे। हाँ मारो, मर्जी है तुम्हारी। हाँ ये भी अलग ही शौक है भाई, मैंने बोला 2 मिनट में खाना खा लेता हूँ फिर साफ करता हूँ गाड़ी, नहीं तो खाना खा ले हम कर देंगे, और वो भी मजे में। तो चलो फटाफट से खाना वाना खाते और निकलते। ये देखो मम्मी लगी पड़ी है वहाँ पे, और इनको देखो यहाँ पे हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। वो देखो चाची यार टमाटर और भांग की चटनी बना रही है। चाची में भांग है? हाँ तो सही। हाँ भाई मैंने खाना खा लिया, वरना इसके साथ खाता तो और मजा आता, मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। बट बाकी बातें खत्म, मम्मी ने क्या चाची मस्त हो गया, ठीक है डन है, रोटी और भांग की चटनी आएंगे। बाकी अभी देखो क्या कहते हैं, गाड़ी मम्मी ने एकदम चमका दी है, अब हम लोग फटाफट से निकलते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सौरभ भाई के पीसी बना पाए, फिर आरटीओ भी जा पाए, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो फटाफट से निकलते हैं, अब थोड़ा सा मुँह धो लेते हैं, जूते उतर डालते हैं और निकलते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग सौरभ भाई के वहां तो आ चुके हैं, अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बता रहा हूँ सब कुछ आ चुका है, माइक वाइक सब कुछ आ चुका है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, बट ट्राई करते जल्दी जल्दी हो जाए, 2 बजे से तो पहले पहुंच गया मैं एटलीस्ट। तो चलते हैं फटाफट और सौरभ भाई से मिलते हैं। पीछे ने हमको ये नया क्या बोलते हैं इसको, एयर ट्रैक दिखाया है, तो देखते हैं अब भाई हमको स्टंट दिखाने वाले, लेट्स डू दिस ब्रो। भाई भाई भाई, तो गाइस साहिल भाई ने मेरे को बहुत पहले बताया था कि वो कितना मिस करते हैं स्टंट ये सब चीजों को, तो आई थिंक इसीलिए लगाए इनने, ये बहुत सॉलिड चीज है भाई, बहुत मस्त चीज साहिल भाई। हाँ भाई बहुत क्रेजी भाई, सही चीज लगा दी, अब तो वीडियो आएंगी भी स्टंट्स की। सही है भाई, ओके ओके, ऑलमोस्ट भाई भाई बिना हाथ के वो फ्रंट फ्लिप मार रहा पीछे। मैं भी करता, मेरे को वॉशरूम लगना है। ना ये खड़ी है अपनी हैरियर, ये है हमारे प्रियंशी बा, इसकी बात मत सुनना ये कुछ भी बोलता है, और वो खड़ी है फॉर्च्यूनर, भाई क्रेजी सीन्स। इसकी बात मत सुनना बिल्कुल भी भाई, एक बार रूम की हालत देखो, एक बार रूम की हालत देखो। और एक और मजेदार चीज हुई है, वो सौरभ भाई के ब्लॉग में देखना, वो मेरी गलती नहीं है अगर तुम लोगों को लग रहा है तो, है ना सौरभ भाई? हाँ, नहीं मेरी गलती है यार। चलो फटाफट से मॉनिटर वॉन्टर सेटअप करते सारे। भाई मैं बनाने आया था पीसी, अब पीयूष और सौरभ भाई बना रहे मस्त करके, मैं देख रहा हूँ। मस्त बट मॉनिटर हो गए सेट एकदम, करते रहो करते रहो, बढ़िया कर रहे हो। तो गाइस यार पीसी तो पीसी का भी बहुत खतरनाक दिखता है, ऐसे जो भी बोलो, है सौरभ भाई? भाई क्रेजी भाई, जी स्किल के रैम वो सब बड़ा मतलब कूल लगता है यार एकदम, नेक्स्ट लेवल। ये श्लोक भाई ने काम तो मस्त किया है भाई, और बाकी सौरभ भाई ने तो, सौरभ भाई को देख के भी लग रहा है उनका जितना खर्चा हुआ ना इसमें टोटल अभी तक का। लेकिन लगता मस्त है यार, जो भी बोलो भाई एकदम भारी और मस्त। ये तारे छुपानी थोड़ी बहुत,
बाकी सब तो कूल है। तो गाइस पीयूष का फाइनली गेमिंग पीसी बन चुका है। पीसी रिकॉर्ड एडिट सब समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस ब्रो। उनके दोस्त सो यू प्ले, मैं निकल रहा हूँ, बाय बाय दोस्त। सौरभ भाई बाय बाय, मजा आ गया भाई, थैंक यू सो मच। अरे कुछ भी क्या, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू, लव यू भाई, मिलते हैं, बाय बाय। अभी हमारा कुछ ट्रिप प्लान भी हो रहा है खतरनाक वाला, वो काफी फीचर में, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए निकलते हैं। वैसे कल को मैं सौरभ भाई को एक बार ही समझा दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो, वैसे मेरे को लग नहीं रहा सौरभ भाई को जरूरत पड़ेगी, इनको समझ में आ गया था कायदे से, ये खाली बोल रहे हैं, इनको टोटल ओवरऑल सब कुछ समझ में आ गया कायदे से। तो अभी चलते हैं घर को और सौरभ भाई ट्रिप करेंगे फिर, मस्त वाली ट्रिप मारेंगे, लेकिन बाद में, ठीक है? प्यूमची ब्रोम बाय तो बोल दो यार, फिर तुम गेम खेलते रहना ब्रोम। इसका जब से बिजी बना है इसने, इसने मुझे ताली भी नहीं मारी ब्रो। कौन हो? दोस्त। गवंडी हो गया गाइस। यार जी, यार भाई। अभी कल को पीस के पीसी में कुछ ऐसा डाल दूंगा जिससे जब तक पीस मेरे को ताली नहीं मारेगा तब तक पीसी नहीं खुलेगा। मजाक कर रहा हूँ यार। अरे मेरे दोस्त मजाक था यार। अरे भाई हेलो। हाँ ब्रो। भाई मैम। बाय। हेलो हेलो हेलो, ये क्या चल रहा है? तुम दोनों जा सकते हो, दोनों जा सकते हो। अब मैं गेमिंग करूंगा जी यार भाई। अरे जा भाई, सौरभ भाई, सौरभ भाई के लोले माइनक्राफ्ट। वेलकम टू माइनक्राफ्ट सौरभ जोशी ब्लॉग। क्या चल रहा है? कोई गेम भाई, गेम ही काट दिया और पीसी बंद कर दिया भाई। नेक्स्ट लेवल मजा। तो गाइस मेरा और पीसी का प्लान है, हम सौरभ भाई को डराने वाले, मैं बोलूंगा कि मैं और पीसी जा रहे हैं, हम दोनों करेंगे घर जाके गेमर फ्लीट पे स्ट्रीम मस्त करके, तो देखते हैं सौरभ भाई का रिएक्शन क्या होगा। वो कहेंगे जाओ। है? हाँ। वाह, देखते क्या होगा। चलो सौरभ भाई, हम दोनों तो जा रहे हैं। पीसी को भी ले जा रहे हो? पीसी कह रहा है कि मेरे घर में रिकॉर्डिंग वो करेगा, स्ट्रीमिंग करेगा करके, आज छोड़ देना फिर घर। अरे यार चलो कोई बात नहीं, चलो अब मैं उतरूंगा, मजाक करो दोम्स। नहीं। तो गाइस अब निकलते हैं सीधे घर को, क्योंकि हमें और ये लेट, हमें करनी है स्ट्रीम, 4:17 हो गया, 5 बजे की स्ट्रीम है, फटाफट घर चलते हैं। और बाकी यार मजा आ गया ना, अच्छा लगता है यार, पता नहीं क्यों यार, मतलब बहुत क्यूट से बंदे यार सौरभ भाई, और पीयूष भी बहुत ही क्यूटी से है, तो मतलब पता नहीं यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ। अब लेकिन निकलते सीधे घर को विदाउट एनी डिले, वरना स्ट्रीम हो जाएगी लेट। ओ मेरा पंपुना, आजा आजा, जल्दी जल्दी पपी, आजा 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 मेरा पंपुना, मेरा बच्चू। क्या हुआ दादा से गुस्सा है क्या? है दादा से गुस्सा है क्या मेरा पंपुना? अबे ये क्या कर रहा है? आ मेरा बच्चा, आ मेरा अच्छा अच्छा बच्चा, मेरा पंपुना। ये देखो, ये चीज तो देखो। वाह, ये क्या क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? इतनी जोर से पंखा तो दे रहा है। पंपी तो पंखा चला रहा है दोस्त। चलो गाइस अभी घर पहुंचे जस्ट, और अभी मम्मी थोड़ा सा चाय वाय पिला देंगी, और बाकी हम लोग लगते हैं काम पे। अब करनी है स्ट्रीम, एक्चुअली मेरे को शायद से 5:30 की करनी पड़ेगी अब स्ट्रीम, आधे घंटे लेट करनी पड़ेगी। तो चलते काम वाम करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाइयों, और मिलते हैं तुम लोगों से थोड़ी देर, मतलब स्ट्रीम पे मिलते हैं। तुम में से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रीम देखी होगी होपफुली, तो चलो चलते हैं काम पे लगते हैं। तो गाइस अब स्ट्रीम करने का टाइम है, तो फटाफट से मैं स्ट्रीम व्रीम मारता हूँ। बाकी जिसने भी अभी तक का लाइक नहीं करा है ब्लॉग को लाइक कर देना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। एक मिनट रुको, तुम लोग ना बहुत टाइम से सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबा रहे हो, जरा रुको तुम लोग। ओहो यहाँ तो पापा और बच्चा जी सो रहे हैं, और यहाँ पे पंपुना भैया सो रहे हैं, और मेरी मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी जी, मम्मी बहुत टाइम से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, क्या करूँ मैं? मम्मी डांटो इनको एक बार मम्मी डांटेगी ना तभी मानोगे, तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। मम्मी एक बार ऐसा डांट दो, बोल दो क्यों रे सब्सक्राइब नहीं करवाए, ऐसे करता है थोड़ा होता है यार बेटा, प्यार से तो करते ना लोग, कर ही रहे तेरे को, आगे को भी करेंगे, है ना? देख लो भाई तुम लोग, मम्मी बोल रही है इसलिए मैं जाने दे रहा हूँ, इसलिए मम्मी एक बार बोलो ऐसे प्लीज सब्सक्राइब कर दो मुझे, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एक बार मम्मी ने ही बोल दिया, मैंने बोल दिया तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच ये वाला ब्लॉग देखने के लिए, आई होप आप लोगों को मजा आएगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, बाय बाय दोस्तों।